जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर RPFSI का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती RPF की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम GK GS के सेक्शन को या GK GS के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने RPF कॉन्स्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। और इसमें RPFSI का जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो 5 जनवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका Shift 2 का ये पेपर है। क्लियर हो गया? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न सभी को पता होगा आपका, 50 अंक का GK GS, 35 अंक का मैथ और 35 अंक का रीजनिंग पूछा जाना है। तो सबसे ज़्यादा अंक आपका GK GS पूछा जाएगा, तो GK GS को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, जितना हो जाए उतना अच्छे से GK GS को कवर करना है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो वो है आपका ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। तो इनमें से पूछा, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका खेल कूद से है। अगर आप इसमें RPF में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो देखो, खासकर स्टेटिक GK हो गया, खेल कूद हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जनरल साइंस के भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न है, सुल्तान अल जान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका सुल्तान अल जान शाह कप है यह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंध रखता है। और हॉकी अपना क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देखो, जनरल साइंस से ही है। समय अवधि का सूत्र क्या है? तो समय अवधि का सूत्र पूछा है, तो 1/आवृत्ति होता है। क्या होता है? 1/आवृत्ति। तो यह है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा। मतलब लोकसभा का जो सभापति है, अगर उसको इस्तीफा देना है तो किसको भेजेगा इस्तीफा? तो वो लोकसभा के उपसभापति को भेजेगा। किसको भेजेगा? लोकसभा के उपसभापति को अपना इस्तीफा देगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बड़ा ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखो, बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ लिया, तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? ये आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में जो आपकी साइंस की बुक है उसमें प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना। बेकिंग सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, ये सब उसमें दिए गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? वो है आपका मनीष पांडे। कौन है? मनीष पांडे। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? कश्मीर पर। तो देखो कितना ही आसान प्रश्न है, किसी शिफ्ट में थोड़ा हार्ड है और किसी शिफ्ट में बिल्कुल ईजी से है। अब सभी ईजी तो नहीं रहते, लेकिन हद तक ईजी है और कहीं कठिन भी है। अगला प्रश्न देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? तो किस वर्ष को? वर्ष 2004 को क्या किया गया? इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीर की जो रचना है उनका जो संकलन है, इकट्ठा है, जो संकलन एकत्रित है, उनको क्या कहते हैं भैया? उनको बीजक कहते हैं।
जैसे बिहारी जी के सतसैया, सतसैया के दोहरे ज्यों नमक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, अगला, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो जो हरभजन सिंह है उनका उपनाम क्या है? द टर्मिनेटर। क्या नाम है? द टर्मिनेटर। जैसे कि उड़न परी किसको कहते हैं, किसका उपनाम है? पीटी उषा का। फ्लाइंग सिख कौन है आपका, कौन है ये? मेजर नहीं, फ्लाइंग सिख मेजर ध्यान से नहीं, वो क्या बोलते हैं, मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न, डांडी मार्च कब आयोजित किया गया? तो यह है आपका 1930 में, बस 1930 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसको जोतना कहते हैं। तो सभी को पता होगा भाई साहब, मिट्टी को ढीला करते हैं, मोड़ते हैं, क्या कहते हैं? जोतना कहते हैं। अगला प्रश्न, रंगपुर विद्रोह कब हुआ? देखो कितने आपकी वन लाइन में ही क्वेश्चन पूछ लिए, नहीं तो दो दो लाइन के, तीन तीन लाइन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसमें पढ़ने में ही टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, लेकिन इसमें तो आपका आधी ही आधी लाइन के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न है आपका, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो यह है आपका 1783 में हुआ था। कब हुआ? 1783 में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई है, क्या कह रहा है? भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष, तो घोषणा वर्ष के बारे में पूछा है, 2015 से लेकर 2020 तक। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो सरसों शीशम ये सब किसकी है? तेल की, लेकिन बाजरा जो है वो तेल की फसल नहीं है। अगला, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य वो है आपका दमन और दीव। कौन है? दमन दीव, केंद्र शासित पूछा है, दमन दीव। अगला, US ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो यह है आपका नाओमी ओसाका ने जीता। किसने? नाओमी ओसाका। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है, तो वो है आपके, पहले थे 29 लेकिन अब वर्तमान में 28 राज्य हैं और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी सही होगा, अभी वर्तमान में, लेकिन उस समय ऑप्शन ए सही होगा, उस समय 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अगला, 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो वो है अशोक कुमार माथुर। केंद्र शासित प्रदेश पोंडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब कितनी लोकसभा सीट है? तो एक ही लोकसभा सीट है। गोवा में 2 है, उत्तराखंड में 5 है, यूपी में 80 है। अगला, इनमें से कौन से उसमें मध्य प्रदेश 29 है, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान स्थित है। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो वो है आपका टमाटर। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कौन? कलमकारी चित्रकला। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहा जाता है, कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी। ठीक है, अगला, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया गया था? मतलब जो आपका अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न, 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला,
पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वो है लॉर्ड मिंटो। कौन है? लॉर्ड मिंटो। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलैंड की मुद्रा का नाम पोलिश जिलोटी है। क्या नाम है? पोलिश जिलोटी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इतना ही पढ़ के आगे बढ़ जाओ। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 नंबर पे स्थित है। ठीक है, पहला नंबर कौन है? हाइड्रोजन। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। डैश श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन सी है? वो अनऑक्सी श्वसन एक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी सही होगा। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? तो वो है आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। जब आपका संसद में कानून बनेगा तो आपका फाइनली कहाँ पर जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बनेगा, अगर कर देगा तो बन जाएगा। प्रश्न है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। क्या है? देहरादून है। ऑप्शन डी सही होगा। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कुशन। किस वंश के? कुशन वंश के। भूटान की राजधानी थिम्पू है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। EPF का पूर्ण रूप, तो EPF का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। घूमर लोक नृत्य है किस राज्य का? राजस्थान का है। रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ऑप्शन ए सही होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कहां पर है, पाकिस्तान में। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि 6 वर्ष की होती है। किदंबी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाता है या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। तुंगभद्र बांध स्थित है कर्नाटका में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है? बर्फ ही कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके RPF SI में पूछे गए GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे ये आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं। ठीक है, देख सकते हो आप मैथ के भी है।